हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा मन करा, मैंने काफ़ी टाइम बाद मेरा जो है मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा, तो मेरे को वहाँ मेरे सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़े हुए मिले, तो मेरा मन खुश हो गया। तो और मैंने यही सोच रखा था कि जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मेरा मन ही नहीं हो रहा था। बाकी मेरे को मेरे सब्सक्राइबर सब बोल रहे थे आप वीडियो बनाओ डालो, तो पूरा करवा चौथ से भी पहले, बस जब मैंने ओपनिंग की थी उससे पहले मैंने ब्लॉग किया था और तब वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन आज मैंने रिसेंटली अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा, तो मेरा बहुत मन खुश हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अब मेरा मन करता है कि हाँ अब मैं व्लॉगिंग करूँ, तो शायद से अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। और पार्लर मेरा अभी ठीक ठाक चल रहा है, और अच्छा चला है, ठीक ठाक नहीं अच्छा चला है, करवा चौथ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और अभी देखते हैं, शादियों का सीजन है, क्या होगा। अभी भी मैं पार्लर में ही हूँ, घर नहीं गई हूँ। 7 बज गए हैं और 8 बजे घर जाती हूँ, और 8 बजे के बाद फिर मैं घर जाने के बाद खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर सारा काम निपटा के फिर कहीं रेस्ट मिलता है। पूरा दिन में दोपहर में घर चली जाती हूँ, और 2 घंटे के लिए दिन में घर जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं पार्लर आ जाती हूँ। और बहुत मन खुश हो रहा है मेरा, आज काफ़ी दिन बाद मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो चलिए इसी खुशी के साथ मैं अब अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और पार्लर की हालत अभी थोड़ी खस्ता है, मैं थकी हुई थी। तो करवा चौथ के बाद में फिर मैं मायके भी चली गई थी, क्योंकि मायके इसलिए गई थी कि मेरे चाचा जी की बाईपास सर्जरी हुई है, उनको देखने गई थी। ये तो पहले ही हुआ थे, लेकिन कल करवा चौथ 13 की थी, 14 में मैं फिर मायके गई थी, उनको देख के आई हूँ। अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी हालत थोड़ी सी मतलब यहाँ इस तरीके से आपको पता ही होगा, जिन लोगों को, मुझे नहीं पता था भाई, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि बाईपास क्या होता है। मैंने घर जाके चाचा जी की हालत देखी, बहुत हेल्दी थे मेरे चाचा, मतलब बहुत अच्छे खासे खट्टे कट्टे थे, और अब वो बहुत पतले दुबले से हो रहे हैं, देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन ठीक है, अब ठीक हो जाएंगे, सर्जरी हो गई है, और अभी उनको जल्दी 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 स्ट्रोक आ रहे थे। तो पहले तो ये था कि उनको किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उनका हार्ट का जो स्टंट डलने थे वो नहीं डले। फिर घर वाले तो यही सोच रहे थे कि स्टंट डलवाने जाना है, तो गए थे इसी पर्पज़ से कि स्टंट डलवा लेंगे बस छुट्टी। लेकिन वहाँ जाए गए तो कंडीशन कुछ और थी, स्टेंट नहीं डले, बाईपास सर्जरी हुई है। जब तक सर्जरी नहीं हुई थी सब बहुत परेशान थे, और अभी भी मतलब अभी भी हालत उनकी मतलब बेड पे हैं, रेस्ट पे हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा उन्हें रिकवर होने में, तो हो जाएंगे जल्दी, भगवान ठीक ठाक करेंगे उन्हें, पहले जैसा तंदुरुस्त कर देंगे। तो और मेरे चाचा जी ना, हमारे पूरे परिवार में, पूरे परिवार का मतलब एक जैसे वो घर बनाते हैं ना, और घर बनाने में जो बिंब डलते हैं वो काम मेरे चाचा जी करते हैं हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो और होता है एक बंदा ना हर फैमिली में इस तरीके का होता है। तो और मैं मतलब हम लोग अटैच भी इसलिए ज़्यादा हैं चाचा जी से, क्योंकि हम लोग चाचा जी के पास ही रहे हैं, और मतलब बहुत 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 अच्छे हैं मेरे चाचा जी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से वैसे ही चलने दौड़ने लगें, तो इस वजह से मैं मायके गई थी। और अभी मेरा, मैंने बताया मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन आज मैंने देखा मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और मैंने हाँ एक और नया चैनल बनाया है पार्लर से रिलेटेड,
रिमझिम मेकओवर करके, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी मेरे प्यार दें। वो वैसे इस वाले चैनल से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ज़्यादा अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से चलेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसमें बहुत गड़बड़ हुई है इस वाले चैनल में मेरे साथ। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आप लोग मुझे प्यार दें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़े, शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोस को जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और वैसे ना, जो भी लोग आते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि आपके ना व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग, सब लोग बोलते हैं आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप रियलिटी दिखाते हो, आप मतलब, लेकिन मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ते मुझे समझ नहीं आता। लोग कहते हैं आप ना बनावटी चीज़ें नहीं करते, बनावट नहीं दिखाते आप, जो हो वो ही सब दिखाते हो, तो और आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ते, किस्मत ना। चलो कोई बात नहीं, धीरे 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 सब कुछ सही होगा और हो जाएगा, मुझे विश्वास है खुद पे भी और मेरे प्रभु पर भी। तो अब जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी, रोज़ शायद से ना मिल पाए क्योंकि बिजी शेड्यूल हो रहा है और त्योहारों का टाइम है। कल मैं सोच रही हूँ, मेरा वैसे तो मेरी पूरी सफाई हो गई है घर की, कल मैं सोच रही हूँ पूरी मैं अपने किचन साफ़ करूँ, तो कल से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और अभी मेरे को जाना है घर, पहले बाहर जाऊँगी मंडी में, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके जाऊँगी, अभी आज इनको फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो इनके लिए नारियल वगैरह लेके जाऊँगी, नारियल पानी। तो अभी घर चलते हैं और घर जा कर के बनाते हैं खाना वाना। और इस व्लॉग को सिर्फ मैं यहाँ यही बताने आई हूँ कि खुशी हुई है मुझे, आज बहुत दिन बाद खुशी मिली है, तो यही बताने आई थी कि आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बना रहा तो मैं भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं पार्लर में हूँ, अभी घर जा रही हूँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो में। बाय बाय।